साइबर सिटी गुरुग्राम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने छठ पूजन किया। गुरुग्राम के अनेकों स्थानों पर छठ घाट बनाए गए हैं। प्रत्येक स्थान पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने छठ पूजन किया। मंगलवार को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने आज का पूजन समाप्त किया, तो वहीं कल यानी बुधवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाएं अपने घर जाकर अपना व्रत खोलेंगी। पूर्वांचलों का प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजन होता है। वैसे तो 3 दिन का यह व्रत होता है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं या पुरुष 2 दिन का व्रत करते हैं। वहीं पूर्वांचल के लोगों ने सरकार के सहयोग के लिए धन्यवाद किया और सरकार से मांग की है कि गुरुग्राम में 4 लाख पूर्वांचली रहते हैं, उनके लिए करीब 5 एकड़ जमीन दे, जिससे सभी एक साथ मिलकर छठ कर सकें। वहीं दिल्ली NCR में जो प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, हर साल छठ पूजन पर बच्चे आतिशबाजी पटाखे चलाते हैं, लेकिन इस बार हर स्थानों पर लोगों ने अपील करते हुए कहा कि पॉल्यूशन से बचने के लिए किसी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन फैलाने वाले तत्व का प्रयोग ना करें। यानी पटाखा, आतिशबाजी, किसी भी प्रकार का कोई भी यंत्र जिससे उसका इस्तेमाल ना करें। वहीं प्रशासन की तरफ से भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। छठ पूजा पे यहाँ पे आप देख रहे हो कि छठ पूजा किसी भी पूर्वांचल या उस एरिया की नहीं, आज हरियाणा में भी छठ पूजा का बहुत विशाल कार्यक्रम है। अभी आप देख रहे हो माँ शीतला के भवन पे बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है, इतना बड़ा उत्सव है। और मैं सबसे विनती करूँगा, मैं सरकार से भी, कि इनको कम से कम 10 एकड़ लैंड गुड़गांव में दी जाए और इनका बढ़िया एक तालाब बने और उस पर माँ छठ की एक प्रतिमा बने और सूर्य देव की प्रतिमा बने, क्योंकि यह पूजा सूर्य देव को अर्घ दे के शुरुआत होती है और यह उपवास भी बहुत बड़ा उपवास होता है, 36 घंटे तक का उपवास होता है। मेरे हिसाब से पूरे व्रतों में सबसे बड़ा व्रत होता है ये, और इसकी मान्यता भी बहुत बड़ी है। आज हरियाणा में बड़े धूम से मना रहे हम सब लोग छठ पूजा। मैं भी कम से कम 6-7 प्रोग्राम में जा लिया, राजीव नगर, शीतला कॉलोनी, अशोक विहार, और उसके बाद में अब मैं शीतला माता के प्रांगण में आया हूँ। मेरी सरकार से एक विनती है, क्योंकि ये सब लोग हमारे हरियाणा के हैं, और इनको कम से कम 10 एकड़ लैंड दी जाए और इनका एक भव्य मंदिर बने। और मैं संजय सिंह, अध्यक्ष पूर्वांचल एकता मंच हरियाणा। आज छठ पूजा हुई है, आज किस तरह से पूजा की गई है और किस तरह की डिमांड है, क्योंकि पूर्वांचली करीब 4 लाख के करीब गुरुग्राम में रहते हैं। सबसे पहले तो गुड़गांव में और NCR में रह रहे सभी पूर्वांचल वासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने पूरे हरियाणा में जिस तरह से छठ की व्यवस्था की है, और हम सब पूर्वांचल वासी उसे खुश हैं और बधाई के पात्र हैं। माननीय मंत्री राव नरवीर जी भी गुड़गांव में घाट का अच्छा व्यवस्था किए हैं, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किस तरह की मांग है, क्योंकि पूर्वांचली काफी संख्या में यहाँ रहते हैं, किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर उनको मिले, छठ का त्योहार पर उनको एकत्रित एक जगह स्थान मिल जाए? देखिए, अभी गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में लगभग 22 जगहों पे घाट बना हुआ है और 22 जगहों पे छठ की पूजा हो रही है। हम लोग पहले भी ये मांग उठा रहे हैं और पहले भी ये मांग किए हैं मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों को गुड़गांव में कम से कम 5 एकड़ ऐसे जमीन दी जाए जहाँ पर हम लोग एक ही जगह पे व्रत कर सकें, और हमें 22 घाटों पे ना जाके हम एक घाट पे जाएं। हम फिर मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारी इस मांग पे पुनः विचार किया जाए और हमें गुड़गांव में कोई 5 एकड़ का जमीन दिया जाए जहां से हम सभी पूर्वांचल वासी, जो यहां 4 से 5 लाख की संख्या में हम रहते हैं, अब हमारी अनदेखी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे CM साहब से मांग है। किस तरह से आज पूजा की गई है? नहीं, आज तो दुनिया का सबसे जो महान पर्व छठ है, उसका डूबते हुए सूरज को हम लोगों ने पूजा किया है और अर्घ्य दे के और अपनी जो अपनी श्रद्धा अर्पित की है, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, हमें पता नहीं चला है कि दुनिया का सबसे बढ़िया शहर गुड़गांव है, और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस छठ पूजा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।